हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आर चैनल ज्ञान लैब और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके क्लास ट्वेल्थ एच 2023 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर फाइव का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अब तक हमने इस चैप्टर के डिलीटेड पार्ट में से 5.1 यानी कि आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ और फाइव आपका ये दो टॉपिक्स हमने कवर किया है जिसमें हमने ऑर्गैनिज्म कैसे ओरिजिनेट हुए केमिकल इवोल्यूशन क्या है ओपेरिन ओपेरिनडेन थियोरी क्या है उरे मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने शॉर्ट में थियोरी में एकदम ब्यूटिफुल डायग्राम्स की मदद से एक्सप्लेन किया है शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज में तो आई होप कि आप इन वीडियोज़ को डेली देख रहे हैं और अपने बोर्ड्स की तैयारी में फुल जोश से लगे पड़े हैं आज के वीडियो में हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन के ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के बारे में कि कैसे उन्होंने हमको बताया कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ से इवॉल्व होते हैं और सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट की थीरी थ्योरी क्या होती है एट्सेट्रा एट्सेट्रा आज की वीडियो भी हम छोटी ही रखेंगे ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम कवर कर सके बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करो ताकि उनको ये क्वालिटी कंटेंट मिल सके और वो बच्चे भी अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को फुल ऑन धमाकेदार तरीके से स्टार्ट कर सके क्योंकि आपके लिए हम डेली टारगेट सीरीज भी प्लान कर रहे हैं सो बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए पेपर पैटर्न और वेटेज तो हमने दे ही दिया है कंटेंट भी मैं कवर कर रही हूँ धीरे धीरे करके जितने भी चैप्टर्स का डिलीटेड पार्ट जो मैंने कवर नहीं किया था वो सारे टॉपिक्स में कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी प्लस आपकी सीट की भी तैयारी हम करवाने वाले हैं और सबसे 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 बड़ी बात यह है कि दिस इज ऑल प्रोवाइडेड फॉर एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट सो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फ्री में अगर कोई कंटेंट मिल रहा है तो वो बकवास नहीं है वो आपके लिए ब्लेसिंग है उसका फायदा उठाओ और अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाओ तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टूडेज टॉपिक आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले तो इवोल्यूशन इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं इवॉल्व करना यानी कि अपने अंदर बदलाव लाना यस yes? तो लैटिन शब्द आया है ये ई e मतलब होता है देखो सोचो ई e, ई e जैसे अल्फाबेट का भी कोई मतलब हो सकता है कभी आपने सोचा था है कभी सोचा था नहीं मैंने तो कभी नहीं सोचा था तो लैटिन भाषा में ई e वर्ड का मतलब होता है फ्रॉम यानि यहां से और वॉलवेर यानी वॉल्यूशन का मतलब होता है टू रोल वो बोलते हैं ना रॉक एंड रोल यानी कि समय के साथ बदलना तो इवोल्यूशन मीन्स द एक्ट ऑफ अनरोलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ नेचर यानी कि आप नेचर के साथ कैसे खुद को बदल रहे हो कैसे खुद को रोल कर रहे हो कैसे खुद को चेंज कर रहे हो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन अनरोलिंग अनफोल्डिंग यानी खुद के अलग अलग तो अपने अंदर के अलग अलग टैलेंट्स को खोल कर उसको समझना अपने अंदर के अलग अलग टैलेंट्स को अनफोल्ड करके उसको जानना पहचानना और उसको इम्प्रोवाइज करना और ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है जेनेटिकली भी बहुत सारा एवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है और इसके वजह से क्या होता है हमारे अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जो आगे इनहेरिट हो सकते हैं यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं हमने जब खाना पका के खाना स्टार्ट किया तो हमारा अपेंडिक्स छोटा हो गया पहले हमारे जो एनसटर्स थे मंकीज़ एव्स चिंपैंजीज उनका अपेंडिक्स बड़ा होता था क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे कच्चा मांस कच्चा फल कच्ची सब्जी जिसकी वजह से फूड डाइजेशन नहीं होता था और वो जो सेलुलर्स है वो अपेंडिक्स में जाता था पर जब आग का इन्वेंशन हुआ हमने खाना पकाना स्टार्ट किया यानी हमने खुद को इवॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली अपेंडिक्स की जरूरत कम हो गई और जैसे उसकी ज़रूरत कम हो गई उसका साइज़ छोटा हो गया और अब जितने भी जनरेशन है सब में हमको ये साइज छोटा देखने को मिलता है तो ये जो इवोल्यूशन होता है ये इवोल्यूशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है तो दीज चेंजेस रिजल्ट इन डिसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स यानी कि जो वंशज होते हैं जैसे आप अपने पेरेंट्स के वंशज हो आपके पेरेंट्स आपके दादाजी के वंशज हैं वंशज यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स डिसेंडेंट्स का मतलब क्या होता है ऑफ स्प्रिंग्स यानि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वंशज यानी कि आपके पुरखों से आप आए हो ओके okay. हम अपने पुरखों को एनसिस्टर्स बोलते हैं और हम उनके क्या हैं डिसेंडेंट्स यानी वो हमारे पुर पुर क्या है बुजुर्ग है और हम उनके बच्चे हैं सो वी आर डिसेंडेंट्स एंड दे आर अवर एनसिस्टर्स ओके ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज वेरी स्लो ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे समय के साथ कंटिन्यूसली और जो इिवर्सिबल चेंजेस होते हैं इ यानी एक बार बोल दिया एक बार हो गया तो वो वापिस बदला नहीं जा सकता तो ऐसे चेंजेस जो धीरे धीरे होते हैं ये चेंजेस जब कंटिन्यूसली होते हैं तो ये इ हो जाते हैं यानी आप इसको चेंज नहीं कर सकते थ्रू विच द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ द लाइफ डेवलप्ड यानी आज हमको जो लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रही है जो कोरोना वायरस का म्यूटेंट हमको देखने को मिल रहा है जिसने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी आपकी आसान कर दी क्योंकि बोर्ड्स नहीं हो रहे थे दसवीं के तो ये क्या है कोरोना वायरस पहले भी था लेकिन अभी जो कोरोना वायरस बना वो तो म्यूटेंट है ना यानी वो इवॉल्व हो गया उसने खुद को मॉडर्नाइज़ कर लिया तो कोविड नाइन्टीन से कोविड ट्वेंटी बन गया फिर ओमिक्रॉन बन गया फिर डेल्टा बन गया तो ये जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं इसके वजह से जो इवोल्यूशन होता है ये इवोल्यूशन कहाँ से आया है उनके प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से यानी कोई नया ऑर्गेनिज्म आसमान से नहीं टपकता जो ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट करता है उसी में बदलाव होते 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 हमको न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं यानी पहले बंदरों की पूछ होती थी और हम बंदर के वंशज हैं तो अब हमारी पूछ तो नहीं है ना तो बंदर और हम टोटली अलग दिखाई देते हैं यानी कि इवोल्यूशन हो गया है सो चार्ल्स डार्विन सर ने अकॉर्डिंग टू चार्ल्स चाचा इवोल्यूशन इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन यानी कि आप जैसे जैसे अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते जाओगे उन ऑफस्प्रिंग्स में आगे आगे न्यू न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे दसवीं में हमने लेमार्किज्म की एक थ्योरी पढ़ी थी लेमार्क थ्योरी जिसमें लेमार्क सर ने क्या बोला था कि जरूरत पड़ने पर हमारी बॉडी जो है वो एनवायरमेंट के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से खुद को चेंज करती है तो मतलब लेमार्क सर की थियोरी क्या थी कि जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर देखने को मिलते हैं जैसे जिराफ की जो गर्दन है वो गर्दन लंबी क्यों हो गई पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी लेकिन गिराफ जिराफ को खाना खाने के लिए बड़े बड़े ट्रीज पे जब वो उछलता था जब वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता था तो ऐसे स्ट्रेच करते 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 उसकी गर्दन बड़ी हो गई ऐसा लेमार्क ने बोला अगर वैसा देखा जाए तो हम रोज रस्सी उड़ी खेलते हैं बचपन में रोज उस बैंबू पे लटकते हैं मंकी बार्स पे लटकते तो अपनी हाइट क्यों नहीं बढ़ती लेमार्क की थियोरी के हिसाब से तो अपनी हाइट भी बढ़ जानी चाहिए जैसे जिराफ की गर्दन बड़ी तो ये थियोरी गलत थी क्योंकि जो भी बाहर के कैरेक्टरल्स चेंजेस होते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है वो सारे कैरेक्टर्स हमारे इंटरनल जेनेटिक मैकेनिज्म पे डिपेंड करते हैं तो लेमार्क की थियोरी रॉन्ग प्रूव हो गई कि इंटरनल फोर्स या एनवायरमेंट के चेंज होने के वजह से या किसी ऑर्गन के यूज़ या यूजफुल या यूजलेस होने के वजह से चेंजेस नहीं होते हैं ओके okay? मतलब आप कंटिन्यू कोई हैबिट करते जाओगे तो उससे आने वाली जनरेशन में आपको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे बस ऐसे ही सिर्फ हैबिट के वजह से तो ऐसा नहीं होता दिस इज रॉन्ग ओके सो दिस थियोरी जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वाइसमैन किसने इस थियोरी को रॉन्ग प्रूव किया ऑगस्ट वाइसमैन हु कट द टेल्स ऑफ मेनी रैट्स फॉर सेवरल जनरेशन देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने ना टेल टे, रैट्स लिए और उन रैट की पूँछ काटी ठीक है पूंछ काट के इनका उन्होंने रिप्रोडक्शन करवाया और रिप्रोडक्शन करवा के उनको बार बार क्या देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके पास टेल है फिर इन्होंने इसका टेल काटा फिर इसका रिप्रोडक्शन कराया फिर से जो बच्चा मिला उसके पास टेल है यानी इन्होंने जितनी बार पूंछ काट काट के उसको रिप्रोडक्शन कराया ऐसे उन्होंने 19 से 20 जनरेशन स्टडी की 21 वन जनरेशन तो भी उनको कोई फर्क देखने को नहीं मिला यानी हर बार न्यू जनरेशन में पूछ है ही क्योंकि पूछ कहाँ से बन रही है इसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है आप एक्सटर्नली अगर पूछ को काट दोगे तो उससे जो बच्चा होने वाला है उस बच्चे के पास पूछ नहीं होगी इसका कोई बायोलॉजिकल लॉजिक नहीं है कोई सेंस नहीं है तो लेमार्क की थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो गई थी तो ये एक्सपेरिमेंट किया ऑगस्ट वाइसमैन ने जिन्होंने चूहों की रैट रा, की टेल काटी बहुत सारे जनरेशन तक फिर भी उनको न्यू ऑफस्प्रिंग में कोई चेंजेस देखने को ही नहीं मिले सो ही डिड नॉट फाइंड एनी चेंज इन साइज इवन आफ्टर 21 वन जनरेशन एंड ही कंक्लूडेड दैट वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड इन सोमैटिक सेल्स आर नॉट इनहेरिटेड यानी अगर आप अपने सोमैटिक सेल में कोई चेंज करते हो जैसे समझो अगर मैं अपने स्किन पे कोई टैटू बनाऊँ तो लेमार्क की थियोरी के हिसाब से अगर मैंने कोई टैटू बनाया तो मेरा बच्चा जो होगा उसके पास भी वो टैटू आएगा दिस इज फॉल्स क्योंकि मैंने जो टैटू बनाया बनाया है है वो मेरी स्किन पे बनाया है। ये मेरे सोमेटिक सेल्स है वो और बच्चे के पास क्या जाता है गैमेट्स यानी जर्म सेल्स जाते हैं अगर आप जर्म सेल में समझो आपने किसी ह्यूमन का स्पर्म लिया और इस स्पर्म में कुछ चेंजेस किए और फिर इस चेंज वाले स्पर्म को एग के साथ फ्यूज किया तो आपको जायगोट में वो चेंजेस देखने को मिलेंगे लेकिन आप स्पर्म में चेंज नहीं कर रहे हो आप सोमैटिक सेल में चेंज कर रहे हो तो सोमैटिक सेल के चेंजेस इनहेरिट नहीं होते हैं ये जर्मन वाइस जर्मन बॉटनिस्ट ऑगस्ट वाइसमैन ने प्रूव किया कि सोमैटो में इनहेरिटेंस नहीं होता यानी सोमैटिक सेल्स में इनहेरिटेंस नहीं होता इनहेरिटेंस होता है जर्म सेल्स में और इसकी वजह से हमको नया कॉन्सेप्ट मिला नई थियोरी मिली जर्म प्लाज्म की क्या मिली हमको नई थियोरी जर्म प्लाज्म की इज दिस क्लियर एवरीबडी पक्का तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक होता है समाप्त मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था आपका टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और टॉपिक भी आपको फटाक से समझ में आए अगर फ्री नोट्स आपको चाहिए टारगेट पब्लिकेशन के तो हमने पी क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ की जो सॉफ्ट कॉपी है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड प्रोवाइड की है बस प्ले स्टोर पर जाओ टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो ये नाम सर्च करो ज्ञान लैब ए और इस ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि आपको ये फ्री नोट्स मिल सके और इसके साथ साथ आप हमारा न्यूज चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज चैनल का नाम है ज्ञान लैब एन एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारी लाइव गफरिंग वाली चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ऐसे ही अपने नेक्स्ट टॉपिक की भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ हाँ हो सकता है आप नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए इसीलिए मैंने ये वीडियो छोटी रखी है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे और अगर ऐसे मेरे कंटेंट अच्छा लग रहा है मैं जो पीपीटीज यूज़ करती हूँ वो पीपीटीज आपको यूज़फुल लगती है तो मेक श्योर sure कि आप वीडियो को लाइक करें चैनल को शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस हो जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर पे क्लिक करें ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और अगर आपकी कोई और डिमांड है तो जरूर कमेंट करके बताएं या वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी नहीं लगी कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताओ मुझे अच्छा लगेगा यस एवरीबॉडी बड़ी सी यू वेरी सुन सेल्फिश मूर बनो फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो और पढ़ाई करते रहो तब तक के लिए स्टे ट्यून बाय बाय थैंक यू सी यू सू